हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोज है बच्चों, वो चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोज है बच्चों, वो एक बच्चा बोला था कमेंट करके कि सर थोड़ा ये पहले पढ़ा दीजिए, ये अभी चैप्टर चल रहा है। तो बच्चों वो मैंने कर दिया था, और वो पिछले चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर था बच्चों, जो हमने 15 चैप्टर था नेचुरल फेनोमेना एंड अर्थ को जो पढ़ लिया था बच्चों, तो उसमें हमने बताया था कि अगले लेक्चर में हम लोग जो कि है कंबसन फ्यूल पढ़ेंगे। तो बीच में एक बच्चा जो है बच्चों, वो कमेंट करके बोला था सर पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोज पढ़ा दीजिए। तो पहले वो मैंने पढ़ा दिया था बच्चों, अब हम लोग जो कि कंबसन फ्यूल एंड फ्लेम है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा हो गया जो कि एलेन का बुक है, जो पुराना वाला बच्चों, उसमें चैप्टर 6 के नाम से दिया हुआ है। चैप्टर 6 जो कि है बच्चों कंबसन फ्यूल्स एंड फ्लेम है बच्चों, और ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा, हमने बताया था अब लेक्चर भी लिखेंगे, तो ये हमारा लेक्चर जो इस चैप्टर का बच्चों, जो सिक्स चैप्टर बच्चों, ये लेक्चर नंबर 6 चैप्टर का 1 लेक्चर हम लोग, ये फर्स्ट जो वीडियो बन रहा है इसीलिए जो लेक्चर होगा वो हो गया। तो लेक्चर नंबर 1 अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 का, कंबसन फ्यूल एंड फ्लेम हो गया। तो ये आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग, और बता दें बच्चों, माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, और इसी तरह से इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे बच्चों, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों, जो कि आपका इसी से, अगर बेल आइकन बटन नहीं दबाएं तो दबा लीजिए बच्चों, अगर नहीं दबाएं हैं तो आपका जो अपडेट है वो नहीं आते रहेगा। इसलिए जो बेल आइकन बटन है बच्चों, वो अगर नहीं क्लिक किए तो उस पर क्लिक कर लीजिए, जो कि जो भी आपका जो लेक्चर होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहेगा, और जो माइनर स्टडी का जो भी PDF या कुछ जो डालता रहेगा बच्चों, वो आपके पास जो अपडेट होते रहेगा। तो इसको बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं बच्चों। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 कंबसन फ्यूल एंड फ्लेम के बारे में। तो फर्स्ट लिखेंगे कंबसन क्या होता है बच्चों, फ्यूल क्या है, ये सब का पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लिख रहे हैं बच्चों जो कि कंबसन क्या होता है, तो हेडिंग डालेंगे बच्चों कंबसन, COM, कंबसन के बारे में, इसको इसका मीनिंग जानेंगे, इसका क्या होता है बच्चों, कंबसन क्या होता है, इसका जो बच्चों डिफिनेशन है वो लिखेंगे। तो डिफिनेशन लिखते उसके बाद समझते बच्चों, तो कंबसन क्या होता है बच्चों, तो कंबसन वो होता है बर्निंग ऑफ जो कि कोई भी सब्सटेंस हो बच्चों, वो जला, उसको जलाने के बाद जो बर्निंग सब्सटेंस जो कि इन दी किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन रहेगा तभी तो जलेगा, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो जलता है, और उसमें से क्या जो प्रोड्यूस करता है, हीट जो गर्म देता है एंड लाइट देता है। आप लोग भी अगर जलाए होंगे तो यही दिया होगा बच्चों, जो मैं जला रहा हूँ तो वो नहीं कि मेरे में गैस दे दिया कुछ दे दिया, ये भी आप जो मैं जला रहा हूँ वही आप लोग में भी देगा बच्चों, सभी में जो वस्तु है जो जलाएगा उसको यही मिलेगा। तो क्या प्रोड्यूस हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, तो ये हो गया। तो कंबसन क्या, तो बर्निंग जो कि कोई भी सब्सटेंस जो जलता है बच्चों, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अभी यहाँ भी है, यहाँ भी कुछ जलाएंगे बच्चों, तो अभी यहाँ सभी जगह ऑक्सीजन है, इसके प्रेजेंस में जो जला, तो वो प्रोड्यूस क्या है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है बच्चों, उसको हम लोग कंबसन बोलते हैं। तो यहाँ इसका एक लिख सकते हैं जो कि कार्बन, कोई भी सब्सटेंस हो गया कार्बन होता है, तो जैसे ये हो गया इसको जलाएंगे, इसमें भी कार्बन है तो इसको, और जो ऑक्सीजन यहाँ हो गया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन के जला रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कि क्या, ये हो गया बर्निंग जला रहे हैं बच्चों, ऑक्सीजन और बर्निंग सब्सटेंस हो गया, ये कार्बन हो गया हमारा, बर्निंग सब्सटेंस कार्बन और ऑक्सीजन को जला रहे हैं, तो क्या हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट प्रोड्यूस होता है बच्चों। तो यहाँ पे जब हम लोग कार्बन किसी वस्तु को जलाएं, जो कि कार्बन हो गया, जो वस्तु हो गया वो कार्बन हो गया, और जिसके प्रेजेंस में जल रहा है वो ऑक्सीजन हो गया, तो उसके प्रेजेंस में जो कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। और आगे हम लोग लिखेंगे, ये हो गया कंबसन हो गया, अब हम लोग कंबस्टेबल सब्सटेंस लिखेंगे इसका। कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, तो कंबस्टेबल सब्सटेंस इसमें लिखेंगे दी सब्सटेंस जो कि
बर्न होता है दिस सब्सटेंस विच दिस सब्सटेंस विच बर्न्स दिस सब्सटेंस विच बर्न्स इज नोन एज कम्बस्टेबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस जलता है बच्चों उसको हम लोग कम्बस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। अभी हम लोग फिर समझते कम्बस्टेबल सब्सटेंस हो गया। तो कम्बस्टेबल सब्सटेंस किसको बोलते हैं, तो द सब्सटेंस विच बर्न्ट, यहाँ फिर लाइन कट गई बच्चों। तो ये बच्चों यहाँ पर हमने लाइट जला लिए और देख रहे थे कम्बस्टेबल सब्सटेंस। कम्बस्टेबल सब्सटेंस क्या होता है, तो द सब्सटेंस जो कि जो सब्सटेंस होता है वो बर्न करता है। जो जैसे ये हम लोग जला रहे थे बच्चों कार्बन, ये हो गया कार्बन, तो ये जल रहा है, ये जला तो इसको हम लोग जो जलेगा उसको हम लोग कम्बस्टेबल, जो जल रहा है बच्चों जैसे ये हम लोग अभी जला रहे थे पहले तो ये जला तो इसको कम्बस्टेबल सब्सटेंस बोल देंगे। और तो ये कम्बस्टेबल दिस सब्सटेंस विच बर्न्ट दिस सब्सटेंस विच बर्न्ट इन्वेंट उसको कम्बस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पे यहाँ पे बोल दे कम्बस्टेबल जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, जो जलता है उसको हम लोग कम्बस्टेबल सब्सटेंस बोल दिए। और आगे हम लोग नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस किसको बोलेंगे, जो नहीं जलता है, जो कम्बस्टेबल हो गया वो जला और जो नहीं जलता उसको नॉन कम्बस्टेबल बोल देंगे। ये तो सिंपल है, तो नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस तो यहाँ लिख लग सकते हैं डिफिनेशन में, दिस सब्सटेंस विच, मैं अब ज़्यादा बच्चों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि किसी बच्चे ने मुझे ऑर्डर दिया है मैं ऑर्डर ही मानूंगा, आप लोग का तो आगे आपका पालन करना पड़ेगा। तो बोला गया है कि ज़्यादा आप लोग यानी सर आप बीच में ज़्यादा बच्चे बोलते तो डिस्टर्ब होते, इसलिए आपको किसी प्रकार के डिस्टर्ब नहीं हो बच्चों, जो वो मैं सभी का पालन और जो आपको किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं आनी चाहिए और जो बधाई आएगी उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ देख रहे थे नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस दिस सब्सटेंस विच बर्न विच नॉट बर्न, जो कि नॉन है बच्चों, तो नॉन हो गया, तो दिस सब्सटेंस विच डज नॉट, विच यहाँ डज नॉट लगाना भूल गया बच्चों, तो विच डज नॉट बर्न्ट दिस सब्सटेंस विच डज नॉट बर्न्ट उसको हम लोग नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस बोलेंगे, इज नोन एज नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस, नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस इसको बोल देंगे। और इसमें हम लोग नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस ये हो गया, और आगे हम लोग देखेंगे इग्निशन टेम्परेचर, जो कि जो कितना टेम्परेचर पर जो जलता है वो उसको देखेंगे आगे, उसका समझते डिफिनेशन क्या होता है आगे लिखते हैं बच्चों, नोट्स भी कंप्लीट होते जाएगा। इसलिए मैंने बताया था कि कैसे आप लोग को पढ़ना है, जो चैप्टर बच्चों वो बुक खोल लेना है और साथ में एक नोटबुक और पेन रखकर बच्चों जैसे आप लोग लेक्चर देख रहे हो उसी तरह से आपको लिखते जाना, तभी आपको समझ में आएगी और आपका नोट्स भी कंप्लीट होते जाएगा बच्चों। इसीलिए मैंने इतना मेहनत करा और लिखा रहा हूँ बच्चों। तो आगे हम लोग बात कर रहे थे जो कि इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, तो इग्निशन IG, ये मैं लिख रहा था इसलिए कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आई ऐसे लिख IGNITI इग्निशन टेम्परेचर इसके बारे में हम लोग देखेंगे अब। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, तो इसको लिख रहे हैं बच्चों, जो कि दी लोएस्ट, जो कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है उसको दी लोएस्ट टेम्परेचर TEMPERATUR दी लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस टू बर्न्ट कॉल्ड, उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं, जो कि सबसे कम टेम्परेचर पर जब स्टार्ट होता है जलना उसको हम लोग, जब से जो पॉइंट होता है बच्चों, जैसे जी लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस, जो जैसे ये सब्सटेंस हम लोग जला रहे थे उस समय, तो ये सब्सटेंस हुआ इसको जब जलाते हैं तो सबसे किस पॉइंट पर बच्चों ये जलना स्टार्ट होता है, सबसे कम पॉइंट, जैसे अभी जलाएँ तो थोड़ी देर आग पकड़ी और जब जलने लगा तो उस पॉइंट को, जब सबसे कम पॉइंट पर जो जलने का स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो
तो इग्निशन टेम्परेचर यही जो सबसे जो पॉइंट होता है जब स्टार्ट होता है जलने का, बर्न्ट होने का, जब स्टार्टिंग होता है जो उस स्टार्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, उसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर हो गया, जो कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस बर्न्ट कॉल्ड सब्सटेंस टू बर्न्ट कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। और इसमें हम लोग आगे लिख सकते हैं एंड किडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग किडलिंग टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। तो किडलिंग टेम्परेचर एंड किडलिंग टेम्परेचर ये हो गया। और आगे इसी में हम लोग ये हो गया दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा ये पैराग्राफ चेंज कर लिख दें इग्निशन, तो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ, जो कि किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है बच्चों, जो डिपेंड ऑन उसका जो ऑन इट्स केमिकल, जो इसका केमिकल नेचर कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये हो गया तो इसमें जो पेट्रोलियम या गैस से जो ये सब्सटेंस अगर बना है तो ये बहुत जल्दी इसमें फायर पकड़ लेगा बच्चों। इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है वो बहुत जल्दी, जैसे ये कार्बन हो गया, इससे जो अभी अगर ये गैस या कोल का है तो इसका जो उसके इसके अपेक्षा, जैसे दो बच्चों एग्जांपल पे जैसे ये हो गया कार्बन और ये थोड़ा जो केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है, तो ये मेनली कोल का है और ये दूसरे जो अनेक दूसरे जो प्रकार का उसका है बच्चों, तो ये केमिकल पर डिपेंड करता है। तो ये अच्छे केमिकल का बना हुआ है तो इसका जो सबसे लोएस्ट जो आग पकड़ने का जो समय होगा बच्चों वो इसका ज़्यादा होगा और इसका कम, सबसे यानी जो लोएस्ट जो जब आग पकड़ता है सबसे कम टेम्परेचर पर तो ये इसका ज़्यादा हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि किस पर डिपेंड करता है, केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है। जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बच्चों उसको केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर और अब हम लोग कंडीशन रिक्वायर फॉर कंबसन, जो कि कंबसन के लिए यानी जलने के लिए कौन कौन सा जो रिक्वायर होता है बच्चों वो हम लोग अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब जो कंडीशन, किस कंडीशन पे बच्चों जो आग पकड़ने का जो है वो डिपेंड करता है, तो यहाँ कंडीशन के बारे में देख रहे हैं। तो कंडीशंस जो कौन सा कंडीशन, जो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबसन के लिए कौन सा कंडीशन की ज़रूरत है। तो कंबसन रिक्वायर फॉर कंडीशन, सॉरी बच्चों जो कंडीशन है, कंडीशन रिक्वायर फॉर कंबसन यानी कौन सा कंडीशन जो कंबसन के लिए ज़रूरत है। तो फर्स्ट जो है कौन सा है, तो फर्स्ट लिखते हैं जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, जो कि ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी बच्चों फर्स्ट तो जो सब्सटेंस है तभी तो ऑक्सीजन तो सभी जगह, जब सब्सटेंस ही नहीं रहा तो कैसे। तो फर्स्ट लिखेंगे प्रजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, प्रजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए। सबसे पहले जो सब्सटेंस है उसको होना बहुत ज़रूरी है जो कंबशन के जो कंडीशन है उसके लिए। तो फर्स्ट इशू हो गया और इसमें हम लोग लिख सकते हैं प्रजेंस ऑफ कंबशन सब्सटेंस में। तो इसमें जो फॉर कंबशन प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस इज इसेंशियल, जैसे कि सच एज कोल, पेट्रोलियम एसेट्रा, ये होना बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, और उसका सपोर्ट जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसका जो सपोर्ट करना चाहिए जलाने में वो होना चाहिए। तो जो सपोर्ट क्या करता है, ऑक्सीजन है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि प्रेजेंस फॉर कंबशन, ये हो गया इसमें। और प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर वाले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, अ कंबस्टेबल
substance, a combustible substance, continuous continuous in continuous to burn, only कब बच्चों तो only when जब देयर वहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई हो सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन जो कि क्या होता है ऑक्सीजन होता है मैंने पहले ही बताया था जैसे कि कंबशन सच एज ऑक्सीजन हो गया जो सपोर्टर होना चाहिए कंबस्टेबल सब्सटेंस जो जलने के लिए कंबशन के लिए तो ये कंडीशन है बच्चों फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए और सेकेंड है जो कि प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर होना चाहिए और हम लोग थर्ड एक और है जो कि तीन होता है बच्चों इसमें तो थर्ड भी बात कर लेते हैं तो ये था जो कि एक कंबस्टेबल सब्सटेंस कंटिन्यूस यानी लगातार जलने के लिए उसको एक सपोर्टर की ज़रूरत होती है वो सपोर्टर का नाम क्या है ऑक्सीजन है बच्चों इसका सपोर्ट करता है जलने में मदद करता है और आगे थर्ड है इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए TEMPERE इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर हो गया और इसमें हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि अ a combustible substance in the किसके presence में in the presence of oxygen के the presence of oxygen burns only when oxygen के presence में कब चलता है when it gets जब इसका ignition temperature हो जाए तो IG इग्निशन टेम्परेचर हो तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है अकम्बुस्टेबल यानी जो सब्सटेंस है जलने के लिए वो सब्सटेंस होना चाहिए जिसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कब जब बढ़ेगा बच्चों जब वेन इसका इग्निशन टेम्परेचर सबसे लो हो यानी वेन इसका जब इग्निशन टेम्परेचर यानी पालेगा जैसे हमने बताया था जैसे कि इसका हाई है और इसका लो है तो कब पाएगा जब इसका जो इग्निशन टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचेगा तभी तो वहाँ से बर्न स्टार्ट होगा तो जब तक यहाँ लिखा है वेन जब इसका जो इग्निशन टेम्परेचर जलने का जो क्षमता जैसे ये 40 यानी जैसे ये 40 डिग्री सेल्सियस पर 30 है तो सबसे ये कम किसका ये 30 पर ही है तो ये 30 पर ही जलना स्टार्ट होगा और जब तक इसका जो 40 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुँचेगा जब तक ये जलना स्टार्ट नहीं होगा बच्चों तो वही लिखा वेन जब इसका इग्निशन टेम्परेचर जब पहुँच जाएगा तभी ये जलने का स्टार्ट करेगा तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है जब यानी एक कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए इसका सपोर्टर ऑक्सीजन होना चाहिए और जब कब जलेगा जब इसका इग्निशन टेम्परेचर पालेगा उसके बाद ये कंबशन स्टार्ट हो जाएगा तो ये थर्ड था बच्चों प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस चाहिए कंबशन के लिए प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन चाहिए इग्निशन टेम्परेचर चाहिए कंबशन के लिए और यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों अब हम लोग टाइप्स ऑफ कंबशन जो कि अगले लेक्चर है उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में बात करेंगे बच्चों तो अभी के लिए इतना ही बच्चों माइनर स्टडी मो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इसको शेयर सब्सक्राइब और शेयर करें बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा और इसी तरह से शेयर सब्सक्राइब करते रहें और जो बेल आइकन बटन है उसको दबाना नहीं भूले बच्चों तो उसको दबाना नहीं बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूले क्योंकि जो भी मेरा जो लेक्चर होगा बच्चों आपको इस माइनर स्टडी जो ये कोचिंग है माइनर स्टडी इससे आपको जो सब अगर बेल आइकन बटन पर दबाया तो बच्चों इससे जो भी अपडेट मिलता रहेगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा बच्चों इसलिए बेल आइकन बटन दबाना ना भूले और फिर से हम लोग अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि अब इसका जो कंबशन एंड फ्यूल का जो सेकेंड लेक्चर होगा तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में अभी के लिए इतना ही बच्चों नमस्ते बच्चों तो अगले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में बात करेंगे तो आप लोग को टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में पढ़ कराना है बुक में से तो अभी के लिए इतना है बच्चों नमस्ते बच्चों।